वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और आज मैं ये चने बनाने लगा हूँ, बहुत मज़े के हैं। सालन के साथ खाएं, चावलों के साथ वैसे खाएं। जी, ये काले चनों को हमने पानी में भिगोकर रख देना 4 घंटों के लिए। 300 ग्राम चना लिए, अब इसमें हमने ये पानी डाल दिया, इसको हम रख देंगे सनलाइट में। उससे ये होगा चने एक तो नरम हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये बनाने के लिए भी हमें इजी हो जाएगा कि आसानी से ये ढल जाएंगे। अब हमने 4 घंटों बाद हमने पानी के अंदर ये हमने सुरख मिर्च, हल्दी और गर्म मसाला रखा है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च, ये चीज़ें हमने काट कर रखी हुई हैं। और इस तरीके से हमने ये जो चीज़ें पहले काट कर रख ली हैं, टाइम तक बाजा पानी के अंदर हमने चनों को बॉयल करने रख दिया। काले चने अगर हो थोड़े स्पाइसी बड़ा मज़ा कर दें। लहसुन और अदरक ये चीज़ें हमने डाल दी हैं, टमाटर प्याज ये चीज़ें डाल देंगे इससे। अब हमने इसको पानी के अंदर इस तरह उबालने का रख दिया है, और हम इसको हमें ना ढकना इसका बंद कर देंगे। हम बंद करके ये हम इसमें नमक डाल देते हैं और ये मिर्च डाल देते हैं। नमक मिर्च डाल के फिर हम इसको ना 20 मिनट के लिए कवर करेंगे, तो रख देंगे। उससे फिर ये होगा कि तेज़ आँच हो तो फिर आप देखें, हमने ये 20 मिनट के लिए बंद कर दिया है तेज़ आँच। अगर ना नॉर्मल हो, ये देखें अब ये खुशक हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये देखें पानी भी नहीं है, नरम भी हो गया, ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फिर अब हमने इसमें घी डाल दिया है, ये हमने हाफ कप इसमें घी डाल दिया है। तो ये देखें तो 3 टेबल स्पून जो हाफ हुई है, हाफ कप ही होता है। तो अब ये कलर बिल्कुल छोड़ गया, मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ले लिया। मैंने कहा थोड़ी इधर मैं बनाई करता हूँ, मैंने मज़ीद टाइम आपको बचा दिया। और ये बिल्कुल देखे खुशक के करीब पहुँच गए, और ये खुशक हो चुके हैं। तो अब हम इसको इसमें जो हमारा गर्म मसाला, ये देखे ये बिल्कुल खुशक भी हो गए हैं, अब इस तरह बड़े प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं। अगर हम इसको चम्मच के साथ वैसे खाएं तो वैसे बहुत मज़े के हैं। अगर आप इसको ये देखें, मैंने परात के अंदर मैंने निकाल दी हैं, ऊपर मैंने गार्निश कर रहा हूँ मैं अदरक की, अदरक के साथ फिर हमें इसमें सब्ज मिर्च भी होनी चाहिए। ये मैंने इसमें पुदीने के पत्ते लगाए हैं, इसकी खुशबू होती है। साथ ये ग्रीन चिली लगा रहा हूँ, ये देखें अब ये शक्ल भी इसकी कितनी खूबसूरत बन गई है माशाल्लाह। तो आप लोग घर में अक्सर औरतें बनाती हैं, तो आप इसी रेसिपी को बनाकर भी ज़रा देखें कि कितने मज़े के माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैंने वैसे भी और चने भी जो मैंने बनाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी बनाई है, तो वो मैंने लिंक में उनकी रेसिपी मैंने लिखी हुई है। शोरबे वाले ही बनाए हैं जो चावलों के साथ मज़े से खाएँ। उसके अलावा मैंने जो नमक के अंदर बनाई करते वो लिखे, और चने के जो फ़ायदे हैं ये नज़ला ज़ुकाम को भी रोकते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग घर में इसको इस्तेमाल किया करें, तो ज़रूर इसके जो इतने ज़रा फ़ायदे हैं, तो आप सर्दियों में इसको इस्तेमाल किया करें। तो ये देखें देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल खुश होगा, चम्मच के साथ खाने का मज़ा भी आएगा। करें ताकि लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।